वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। वीडियो चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आप लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसे चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओजो कैश के बारे में, एंड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या है, स्कैम है, रियल है, आपको उसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों बात करते हैं इनके अबाउट अस की। दोस्तों वैसे तो अबाउट अस आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, लेकिन इनका कहना यह है कि आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। और ओजो कैश के टू मोर वेंचर्स हैं, ओजो वेलनेस, ओजो ई शॉप, यानी ये प्रोडक्ट के बारे में भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट मिलेंगे एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही आपको देने वाले हैं। लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे एंड कितने मिलेंगे ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है, और पीडीएफ में भी मेंशन नहीं है। शायद अभी पूरी प्लानिंग नहीं है इनकी, अभी आधी प्लानिंग में ही ये मार्केट में उतरे हैं, और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें इनके पीडीएफ के अंदर। वैसे अबाउट अस आपकी स्क्रीन पर शो, आप पढ़ सकते हैं। तो वाई ओजो कैश, क्यों आपको करना चाहिए ओजो कैश को? सबसे पहले यूनिक प्लान है, चलिए लीगल प्लान है, स्टेबल प्लान है, हाई प्रॉफिट है, फॉर एवरीवन, सभी के लिए है, एंड तीन प्लेटफॉर्म्स है इनके पास। तीन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, दो वेंचर्स इन्होंने बताए थे और एक तीसरा इनका है जो भी इन्होंने बनाया है। तो चलिए एक एक को चेक कर लेते हैं कि जो इन्होंने लिखा है ये रियल में है या नहीं है। दोस्तों बात करते हैं प्राइम मेंबरशिप की, 1200 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी है। दोस्तों जीएसटी नंबर यहाँ पर शो नहीं किया गया है, हालांकि जीएसटी काट रहे हैं, लेकिन ये आपको कौन सा प्रोडक्ट देंगे वो भी यहाँ पर शो नहीं किया गया है। बस आपसे पैसा ले रहे हैं और जीएसटी यहाँ पर शो कर दिए, जीएसटी नंबर नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट इन्होंने अपने पीडीएफ के अंदर भी शो नहीं किए, हालांकि लीगल डॉक्यूमेंट मैंने इनका निकाल लिया है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। दोस्तों बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। 300 ओजो कैश डेली आपको मिलेंगे, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलेगी, डेली टीम लेवल इनकम मिलेगी, रैंक रिवॉर्ड्स इनकम, फ्लैगशिप बोनस, रॉयल्टी इनकम, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट आपको दे रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं वन बाई वन करके। दोस्तों बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी कंपनी आपसे 1000 रुपये ले रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन 2000 का कर रही है या 3000 का कर रही है, यानी 1000 से ज़्यादा का कर रही है, तो समझ लेना वहाँ पर आपका भविष्य खतरे में है। आपकी टीम खराब होगी वहाँ पर, आपका टाइम भी खराब हो सकता है और कंपनी भाग भी सकती है, चाहे लीगल ही क्यों ना हो, क्योंकि कंपनी को अगर लॉस होगा तो कंपनी भाई साहब भागेगी फिर या प्लान चेंज करेगी। सिंपल सा फंड है, तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रही है। चलिए मैं इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन मोटा माटी करके बता देता हूँ, वैसे तो क्योंकि एक लिख कर ही होता है वैसे तो पूरा कैलकुलेशन, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से पीडीएफ के थ्रू ही समझा देंगे। सबसे पहला इनका इनकम है ओजो कैश पॉइंट। 30 ओजो कैश पॉइंट आपको डेली मिलेंगे, यानी 30 रुपये आपको डेली मिलेंगे, जिसका यूज़ आप कैश आउट, विड्रॉल, रिचार्ज, यूटिलिटी सर्विस और भी काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है एवरी मंथ, यानी इन्होंने क्या किया, जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर आपको 30 ओजो कैश पॉइंट डेली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 30 रुपये डेली मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आपने 1200 दिए थे, 900 रुपये आपको आ चुके हैं, तो क्योंकि 3 × 9 एक महीने में कितने आ गए, 900 रुपये। कंपनी के पास कितना पैसा बचा, कितना बचा, 300 रुपये, क्योंकि 900 और 300 1200 रुपये होते हैं, तो 300 रुपये अब बच चुका है, क्योंकि ये पैसा आपके पास आ चुका है। अब इसमें विड्रॉल के टाइम पे काटेगी वो अलग बात है, लेकिन आपको ये मिल चुका है। ओके, अब आप एक डायरेक्ट रोल लगाएंगे, फिर आपको 30 दिन तक पैसा मिलता रहेगा, तो आप यहाँ पर 900 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है मोटा माटी। अब 300 रुपये कंपनी के पास बचे हुए हैं, आगे चेक करते हैं क्या क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई है। उस तो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, 50 रुपये पर रेफरल से आपको मिल रहा है,
यानी 900 रुपये तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 50 रुपये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, 950 रुपये हो चुके हैं, 250 रुपये कंपनी के पास बच चुके हैं। उस तो डेली लेवल इनकम है एंड डेली लेवल इनकम 8 लेवल तक आपको दी जा रही है। 950 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं एंड 18 रुपये यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं 8 लेवल तक। एंड तो आप अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह पैसा 1200 रुपये से ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इनकम दी जा रही है। ड्राफ्ट की कंडीशन एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है, आपने 8 ड्राफ्ट लगा दिए, आप पैसा जिंदगी भर ले रहे हैं इनसे, इन्होंने कैपिंग भी लगा रखी है। लेकिन जो डेली इनकम के प्लान होते हैं ना, वहाँ पर जो जॉइनिंग अमाउंट होता है उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, याद रखना मेरी बात। और डेली इनकम में एक डिसएडवांटेज ये है, जो आपकी लेवल इनकम होती है ये उसी इनकम को आपको तोड़ तोड़ के देते हैं, यानी आप बेवकूफ़ हैं इस चीज़ में। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको लेवल में 20 रुपये 30 रुपये दे रही है एक जॉइनिंग पर, डेली इनकम की बात नहीं कर रहा, लेवल इनकम की बात कर रहा हूँ ओनली। अगर उसी इनकम को, मान लीजिए 30 रुपये आपको एक मेंबर से आ रहा है लेवल इनकम के अंदर, अगर उसी इनकम को मैं 2 रुपये पर डे के हिसाब से देना स्टार्ट कर दूँ तो लॉस किस कैश में? यानी आप जो डेली इनकम देखते हैं ना, उसमें आपका लॉस है, वो डेली इनकम नहीं है। जो आपकी लेवल इनकम होती है ना एक्चुअल में, उसी को ये तोड़ तोड़ के देते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि मुझे तो डेली इनकम मिल रही है। दोस्तों, डेली इनकम आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई दे रहा है तो उसको आप मान सकते हैं, लेकिन जो लेवल की डेली इनकम होती है ना, ये लेवल में दे रहे हैं जो कि एक डक लगाओ आपको पहले लेवल से इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा लगाओ तो दूसरे से आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें आप सभी का लॉस है। आप जो टीम बनाते हैं ना, वही इनकम आपको तोड़ तोड़ के दी जा रही है, और दूसरी कंपनी क्या करती है, वो आपको इनकम इंस्टेंट दे देती है अगर लेवल इनकम होती इसके अंदर। ये डेली लेवल इनकम है, अगर खाली लेवल इनकम होती तो ये पैसा आपको इंस्टेंट मिल जाता, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी ही इनकम को तोड़ तोड़ के आपको ही दिया जा रहा है, आपकी जो मेहनत है ना उसी को तोड़ तोड़ के आपको ही दिया जा रहा है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, यहाँ पर जो पैसा ये ले रहे हैं उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। एक बात है, उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, और शायद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी देंगे तभी तो जीएसटी काटेंगे। अगर ये आपको कुछ देंगे ही नहीं तो जीएसटी कहीं पे काटेंगे? कंपनी इलीगल हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, और कंपनी को डायरेक्टली लॉस है। चाहे आप कितनी भी कंडीशन लगा लो, डिस्ट्रीब्यूशन मायने रखता है कि पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर जॉइनिंग अमाउंट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो समझ लेना ये तो प्लान चेंज होगा, ये कंपनी भाग जाएगी, चाहे लीगल ही क्यों ना हो। तो बात करते हैं अपन डेली कैपिंग ऑन लेवल इनकम की, यानी ऊपर सबसे पहले क्या क्या उन्होंने आपकी ही इनकम को तोड़ तोड़ के आपको देना स्टार्ट कर दिया और आप खुश हो गए कि डेली इनकम मिल रही है। आपकी ही लेवल इनकम को तोड़ तोड़ के उन्होंने रुपीज में 1-2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ में तोड़ के आपको देना स्टार्ट कर दिया और आप खुश हो गए। ऊपर से कैपिंग भी लगा दी, भाई साहब आपको उतना ही मिलेगा एक दिन में। यहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप मेहनत करके टीम बना रहे हैं, आपकी ही टीम का पैसा ब्लॉक किया जा रहा है। सिंपल सा फंडा है, जो कंपनी आपकी ही टीम का पैसा ब्लॉक कर रही है तो वहाँ से आप बड़ा पे आउट नहीं बना सकते। सिंपल बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हज़ारों या लाखों की टीम बना रहे हैं और आपकी ही टीम का पैसा ब्लॉक हो रहा है तो आपका टीम बनाना बिल्कुल ही गलत है ऐसे सिस्टम के अंदर। क्योंकि कंडीशंस कौन लगाता है, जिनके प्लान की कैलकुलेशन सही नहीं होती है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जिनके प्लान की कैलकुलेशन सही नहीं होती ना, वो ही लगाते हैं कैपिंग और टैपिंग। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? वो ही लगाते हैं कैपिंग, जिनके प्लान की कैलकुलेशन सही नहीं होती है। वो सोचते हैं कि यहाँ से बच जाए, वहाँ से बच जाए, लेकिन बचता उनको फिर भी नहीं है। बाद में उनको प्लान चेंज करना ही पड़ता है और आपकी टीमें ख़राब हो जाती हैं या वो भाग भी जाते हैं। उसका तो रैंक रिवॉर्ड्स इनकम भी है, पहले तो लॉस हो ही रहा है सिस्टम को, इस कंपनी को, ऊपर से रिवॉर्ड्स भी आपको दे रही है। 500 का रिवॉर्ड है 10 की टीम पर, रैंक भी कुछ दे रहे हैं, 50 की टीम पर 500 का रिवॉर्ड है, फिर दोबारा से 300 की टीम पर 1000 का रिवॉर्ड है। तो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद तो रॉयल्टी इनकम भी है, यहाँ पर आपको बाइक फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है और ड्रीम रॉयल्टी मिलती है। लॉस में तो पहले से ही चल रही है कंपनी, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर 7% का डिस्ट्रीब्यूशन और भी कर दिया है, यानी और लॉस में जाना चाहती है। यानी आपका जो नेटवर्क है ना, जो आप बनाना चाह रहे हो उसके अंदर, उसको खराब या फिर 100% कराएगी, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। क्योंकि इतने सालों से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी कंपनी कितने टाइम तक रन कर सकती है।
दो कंडीशन में हमेशा बताता हूँ, या तो प्लान चेंज करेगी या भाग जाएगी। बाइक फंड 3% मिलेगा 5 डेक्स लगाने पर, कार फंड 2% है 10 डेक्स लगाने पर, हाउस फंड 1% 15 डेक्स लगाने पर, ड्रीम रॉयल्टी 1% है 20 ट्रैक्ट लगाने पर। यहाँ पर ड्रैक्ट की कंडीशन है, याद रखना ड्रैक्ट की कंडीशन को आपको पूरा करना है, ये फंड आपको मिलते रहेंगे। तो फ्लैगशिप बोनस है, ऑलरेडी बहुत घाटे में चल रही है कंपनी, साथ ही साथ आपको फ्लैगशिप बोनस भी मिलेगा। यू ऑलवेज गेट 5% ऑफ ड्रैक्ट स्पॉन्सर्स अर्निंग, आपके जितने भी ड्रैक्ट स्पॉन्सर होंगे उनके अर्निंग का आपको 5% मिलता रहेगा, वो जितना भी अर्न करेंगे 5% आपके अकाउंट में जाता रहेगा। दोस्तों बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। दोस्तों सबसे पहले तो आपको 30 ओजो कैश पॉइंट लेने के लिए 1 डेक लगाना है, 1 डेक हो गया। फिर 8 लेवल की इनकम को लेने के लिए, जो आपकी इनकम को तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, उसमें भी आपको 8 डेक लगाने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बड़े मूर्ख नहीं है फिर कोई भी, क्योंकि आपकी ही इनकम आप मेहनत करके टीम बना रहे हैं, उसमें भी कंडीशन है कि आपको लेवल इनकम लेने के लिए भी डेक लगाने पड़ेंगे, फिर उसी इनकम को तोड़ तोड़ के भी दे रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ी दिमाग की कमी है आपके अंदर। फिर एंड 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर 4 विड्रॉल, 2 यहाँ पर भी दे दिए हैं, यानी टोटल आपको मुझे लगता है यहाँ पर 8 डायरेक्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, और जो 1 डायरेक्ट की कंडीशन है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। यानी जो मेन लीडर यानी बड़े लीडर होंगे ना यहाँ पर, उनको भी काम करना पड़ेगा, और जिस कंपनी के अंदर मेन लीडर को भी काम करना पड़ता है ना, वो कंपनी नहीं होती है, याद रखना। वो खाली एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यानी पागल बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए आए हैं। कुछ कंपनियां क्या करती है, बड़े स्केल पे स्कैम करने के लिए आती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाती हैं, पता कैसे लगता है कि वह जेन्युइन है या फ्रॉड है, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। मैं आपको आज एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट जिनके पास होंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि इनका काम है ओजो कैश, ऐसा मान लो ओजो कैश इनकी वेबसाइट का नाम है और इनकी कंपनी का नाम है, तो ओजो कैश के नाम से, यानी ओजो कैश ब्रांड के नाम से अगर प्रोडक्ट आते हैं तो समझ लेना ये कुछ करना चाहते हैं, इनके ब्रांड के प्रोडक्ट आने चाहिए, ये कुछ करना चाहते हैं। या मार्केट, अगर ये मार्केट से उठाकर आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये सूट लेंथ है, ये साड़ी है, इसको ले लीजिए, या कुछ और लाते हैं, तो समझ लेना ये 100% स्कैम करेंगे। 100% की बात कर रहा हूँ मैं, ये 100% स्कैम करेंगे। और भाई साहब बात यहीं तक नहीं रुकती है, IMPS आपको दे रहे हैं, कोई भी जेन्युइन कंपनी आपको IMPS नहीं देगी, अगर IMPS देगी तो NFT भी जरूर देगी, याद रखना मेरी बात। 15% डिडक्शन विड्रॉल से कर रहे हैं, 15% का डिडक्शन, TDS तक नहीं काट रहे हैं आपका, TDS काटना 100% कंपलसरी है भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, यहाँ पर TDS नहीं काट रहे। 15% का डिडक्शन कौन करता है, फ्रॉड कंपनियां करती हैं। 10% का डिडक्शन फॉर ID टॉपअप, यानी आपका, आपको पहले पैसा देंगे तोड़ तोड़ के, फिर उसमें से डिडक्शन भी चालू हो जाएगा, पहले आपको पैसा दिखाएंगे फिर सारा काट लेंगे, ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो दोस्तों बेवकूफ बन रहे हो आप सीधा सीधा, आप मेहनत भी कर रहे हो और आपकी मेहनत यहाँ पर होने वाली है 0, लिख लीजिए इस बात को। तो दोस्तों मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से इनकी जो लीगल नेम है उसका डेटा निकाला है, वो जो इन्फोटेक एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर है 11/8/2022, यानी अभी 3 दिन पहले ही यह है क्या हुआ है, इनका जो सर्टिफिकेट है SEI का बना है, यानी यह कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, और रजिस्टर्ड एड्रेस भी इन्होंने डाल रखा है, जयपुर का है। आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जयपुर से जितनी भी कंपनियाँ ओपन होती हैं ना, जयपुर से यानी राजस्थान से जितनी भी कंपनियाँ ओपन होती हैं ना भाई साहब, 99% स्कैम करती है। पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, 99% स्कैम करती है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बड़े स्कैमर हैं, याद रखना मेरी बात, क्योंकि काफ़ी सालों में मैंने बहुत सारे लोग वहाँ से कंपनी ओपन करते देखे हैं, लीगल भी और इलीगल भी, सभी ने स्कैम किया है। और अभी फिलहाल में एड एक्सचेंज भी शायद वहाँ का जो ओनर है वो भी शायद राजस्थान का ही है, तो वहाँ से बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ पहले भी आई थी, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे पता है। तो भाई साहब इनसे बच के रहना, जयपुर वाले बहुत बड़े चोर हैं, और आप अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो भाई साहब काम करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपकी टीम खराब हो जाएगी, आपका पैसा खराब हो जाएगा, आपका टाइम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ऐसे सिस्टम के अंदर। और डायरेक्टर का नाम है महेंद्र कुमार सैनी, इनसे एक बार जरूर जूम मीटिंग करें कि आ भी रहे हैं नहीं, ये लीगल डॉक्यूमेंट इनका है भी नहीं, ये भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि दूसरी कंपनी को उठा के भी दिखा देते हैं कभी कभी कुछ कंपनियां। तो कंफर्म करने के लिए एक तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस दे रखा है
इस पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है कि एड्रेस पे जो दे रखा है ऑफिस है भी या नहीं। दूसरा, महेंद्र कुमार सैनी जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, ये जूम मीटिंग में आ रहे हैं या नहीं, इनको भी चेक कीजिए, इनका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड दीजिए, ताकि अगर ये कल को स्कैम करे इसको पकड़ना आसान हो। तो दोस्तों ये था और जो कैश का इन्फॉर्मेशन, एंड बात कर लेते कंक्लूजन की। दोस्तों कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, इनका प्लान जो भी इन्होंने बना रखा है वो कैलकुलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट इनके पास नहीं है, अभी लीगल सही तरीके से नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों सोच समझ कर टीम बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम 100% ख़राब होगी। जो भी इन्होंने प्लान बना रखा है उसके अनुसार बता रहा हूँ, 100% ख़राब होगी। और ये ऐसे प्लान लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते हैं, इनका कोई भी विज़न नहीं होता है, इनका एक ही विज़न होता है आपको कैसे लूटा जाए। तो ऐसे प्लान को, ऐसे प्लान से और ऐसी कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य है, आपका टाइम है और आपकी टीम है, इसको सेफ रखिए। क्योंकि लोगों का भरोसा भी आप पर तभी होगा जब आप सही सिस्टम में काम करेंगे, और वह सिस्टम आपको ज़िंदगी भर पैसा देगा। ऐसे सिस्टम से आपको कभी भी ज़िंदगी भर पैसा नहीं आने वाला। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो चैनल को उसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। थैंक।